आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का मार्किंग हम बुक में करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑडियो विजुअल। आंसर ऑफ सेकेंड इज ऑप्शन नंबर ए, आगा खान पैलेस। एंड आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, फिल्म्स। टू, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजंस। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। वी विल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर टू। सी, ऑन पेज नंबर टू दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम वन। जो क्वेश्चन नंबर टू है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका ये आंसर है, हाईलाइटेड पार्ट ऑन पेज नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स आर कंसिडर एज द मोस्ट ट्रस्टवर्थली सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर थ्री एंड फोर। फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन फ्रॉम द ऑडियो वीडियो ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस, दिस हाईलाइटेड पोर्शन। देन राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम फोटोग्राफ्स, यू कैन राइट डाउन दिस ओनली हाईलाइटेड पोर्शन। इन रिकॉर्डिंग ऑल्सो यू कैन राइट डाउन द हाईलाइटेड पोर्शन एंड इन फिल्म ऑल्सो यू कैन राइट डाउन दिस टू पॉइंट्स, ओनली हाईलाइटेड पोर्शन। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर टू। टू कट जो टू है क्वेश्चन नंबर उसका ये आंसर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द शॉर्ट नोट्स फोटोग्राफ्स। सी फोटोग्राफ्स शॉर्ट नोट्स यू कैन राइट डाउन द अंडरलाइन पोर्शन। आप देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी है और अंडरलाइन भी किया है। फ्रॉम हियर टू हियर अंडरलाइन पोर्शन यू कैन राइट डाउन एंड नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर टू द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री वन, शॉर्ट नोट्स ऑफ फोटोग्राफ्स। सेकेंड, म्यूजियम एंड हिस्ट्री, वी विल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर। सी दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज द इज योर आंसर ऑफ म्यूजियम एंड हिस्ट्री। एंड लास्ट नेक्स्ट इज ऑडियो सोर्सेस, वी विल सी द आंसर ऑफ दिस ऑन पेज नंबर थ्री एंड फोर। यू कैन राइट डाउन द अंडरलाइन पोर्शन फ्रॉम अ रिकॉर्डिंग ऑन पेज नंबर थ्री एंड दिस अंडरलाइन पोर्शन फ्रॉम पेज नंबर फोर। Please like, share and subscribe my channel. And the last question, question number 4, complete the following diagram, material of sources. You can write down all these material of sources. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe my channel.